सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करने वाला, बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं जो भी स्टेप करूंगा उन सारे स्टेप को आप ध्यान से देखते रहिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। एंड अगर स्टेप मिस करते हैं तो आप अपने इमेज की रियलिस्टिक लुक नहीं ला पाएंगे। एंड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पिक में जो मतलब कि स्टेप होने वाला है वो होगा लाइट रूम के अंदर जो हम कलर ग्रेडिंग करेंगे वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला पार्ट आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। एंड गाइस, पिक्सआर्ट में चलने से पहले इसका पोज देख लीजिए। कुछ इस टाइप से आपको क्लिक कराना है अपने इमेज को। एंड क्लिक कराने के बाद मतलब कि आपको दोनों हैंड कुछ इस टाइप से रखना है, जैसे कि एक हैंड ऐसा एक हैंड ऐसा जिसमें कि हम फुल जड़ी पकड़ा सके। तो पोज करने के बाद अब हम चलते हैं सीधे पिक्सआर्ट में। सो गाइज, हम ओपन कर चुके हैं अपना पिक्सआर्ट। एंड पिक्सआर्ट में हमने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। तो हमको सबसे पहले वर्क क्या करना है, हमको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हमको एक फाइंड करना है पीएनजी जो कि हम लेकर आने वाले हैं फॉग पीएनजी। तो यहां से हम इजीली सेलेक्ट कर लेते हैं फॉग वाली पीएनजी। तो ये रही, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये यहां पर हमको सबसे पहले यहां पर सेट करनी है, ठीक है। तो यहां पर सेट करने के बाद आपको इरेजर पर जाना है। इरेजर पर जाने के बाद यहां से आपको रिमूव कर देना है। तो हमको इसको कुछ ऐसा फील देना है जैसे मान लो ये वाला अनार बम मतलब कि जलने के बाद बुझ चुका है, तो कुछ इस टाइप से हम इफेक्ट देने वाले हैं यहाँ पर। तो हम कर देते हैं राइट पर क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद आपने जो इमेज क्लिक कराया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था किस पोज में आपको क्लिक कराना है, तो उसकी आपने कटिंग करके रखी ली होगी। तो हम सिंपली से उस कटिंग को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो ये रही वो कटिंग। एंड हम कर लेते हैं इसको ऐड। तो ये ओपन हो चुका हमारा। तो हमको कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। एंड गाइज, कटिंग करते समय वो साइड वाला जो लेयर है पीछे की थोड़ी सी वॉल दिख रही है वो चीज़ हमने छोड़ दी थी, तो वो यहाँ पर दिख रही है, तो वो तो अभी गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा जूम करके इस टाइप से कुछ सेट कर देना है, ठीक है। अब कर देना आपको राइट पर क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। अब सबसे पहले हम लेकर आते हैं फुल जड़ी। तो दो फुल जड़ी हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये रही दो। इन दोनों को ऐड करने के बाद सबसे पहले एक हैंड में हम इसको पकड़ा देंगे कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ऐसे करके छोटा कर दीजिए। एंड इस पर इरेजर पर जाने के बाद कर दीजिए रिमूव कुछ इसी टाइप से। हम करने वाले हैं दूसरे को मतलब कि ऐसे रोटेट करने के बाद हमको पकड़ाना है यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं यहाँ से इसको भी रिमूव। एंड रिमूव करने के बाद ये दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमको इसके ऊपर मतलब कि फायर लगाना है। तो फायर लगाने के लिए भी हमारे पास ओवरले है, तो डाउनलोड्स में जाएंगे एंड वो वाली ओवरले हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दो चीज़ें हैं अलग अलग, तो इन दोनों का हम ऐड कर लेते हैं। एंड आपको सिंपली ब्लेंड करना है स्क्रीन मोड पर। तो एक ब्लेंड कर दिया हमने। एंड एक ब्लेंड करने के बाद हमको लगा देना है उस साइड, ये आप देख सकते हैं हमने वो सेट कर दी। अब इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे स्क्रीन मोड पर। एंड इसको लगा देंगे हम यहाँ वाली पर, ठीक है। तो ये हम लगा दिए यहाँ पर, डन। डन होने के बाद बस आपको क्या करना है गाइज, अब सबसे पहले हम लेकर आते हैं एक बॉटल। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो ये है हमारी बॉटल। तो बॉटल को हमने ऐड कर लिया। बॉटल को आपको सेट करना है कुछ यहाँ पर अपने पैर के थोड़ा सा पास में, मतलब कि हम ऐसा फील देने वाले हैं इमेज में जैसे हम रॉकेट उड़ा चुके हैं एंड वो थोड़ा सा हाफ उड़ चुका है एंड हम उसको देख रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था। तो ये यहाँ पर हमने कर दिया है इसको बॉटल को सेट। सेट करने के बाद अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब हम लेकर आएंगे रॉकेट, रॉकेट की पीएनजी। तो ये रही हमारी रॉकेट की पीएनजी। एंड इसको आपको करना है अपने फेस के, मतलब आप जहाँ पर देख रहे होंगे वहीं पर आपको परफेक्टली यहाँ पर सेट करना है आपको। तो ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको इरेज कर लीजिए। तो ये यहाँ पर आपको सेट करना है। तो ये ऐसा फील आ रहा है जैसे आप इसको देख रहे हैं। तो अभी हमको इसमें और रियलिस्टिक लुक देने के लिए ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से हम एक डाउनलोड में जाने के बाद फायर लेकर आएंगे एक और जो कि रॉकेट वाली होगी। तो इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं सबसे पहले स्क्रीन मोड पर। तो ये आप देख सकते हैं इसको हमने कर लिया ब्लेंड। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से सेट कर देनी है, ठीक है। तो ये हो चुकी है सेट। अब आपको कर देना है राइट पर क्लिक। क्लिक करने के बाद अब ये जो है यहाँ से उड़ा होगा रॉकेट, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी फॉग होना चाहिए, है ना। तो हम जल्दी से जाते हैं ऐड फोटो में एंड थोड़ा सा फॉग लेकर आ जाते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा फॉग।
तो फॉग को बहुत थोड़ा सा ही लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना, यहाँ से सेट करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपको इरेज करना है, हार्डनेस बिल्कुल कम करके साइज़ बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से रिमूव कर देना है, ठीक है, हल्का से या हमको रखना है, ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं देना है, ताकि ये लगना चाहिए कि हाँ वो वहाँ से छूटा है थोड़ा सा। तो मेरे में बहुत हल्का सा है, आप हल्का सा ही रखिएगा तो बहुत बेटर लगेगा, बेस्ट लगेगा। ओपेसिटी भी आप इसकी हल्की कर सकते हैं थोड़ी सी, ताकि वो मतलब कि फील आ रहा है ना, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि रॉकेट यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, हमको दो ओवरले और चाहिए, दो या तीन हॉट एयर बलून वाली जो हम दीपावली पर उड़ाते हैं, तो ये रही वो। तो इसको आप ब्लेंड करके सेट कर सकते हैं, इसको स्क्रीन कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको बैकग्राउंड में इसको सेट करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड सेट करने के साथ साथ आपको जाना है एफएक्स में, एफएक्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये नीचे ब्लर चूज़ करना है, ब्लर चूज़ करने के बाद लेंस ब्लर एंड लेंस ब्लर की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, जो रेडियस मिलती है हमको। लाइटनेस को आपको बिल्कुल ज़ीरो रख देना है, ठीक है। तो बस आपको इतना ब्लर करने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने कर दिया सेट, सेट करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना है एंड आपको अब लेकर आना है एक ब्लैक इमेज। तो ब्लैक इमेज आप बना सकते हैं, मतलब कि ब्लैक इमेज तो हाल बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं अपने कैमरे पर हाथ रख के, तब भी ब्लैक मतलब खींच जाएगा वो इमेज, एंड पिक्सार्ट में भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैं ये ब्लैक इमेज ले रहा हूँ, तो हमने ये ब्लैक इमेज से शेडो बनाने वाले हैं, ठीक है, ड्रॉ टूल में हम नहीं बनाने वाले। तो ये ब्लैक इमेज हम फुल कवर कर देते हैं, इसके बाद हम इरेजर पर क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल करेंगे। क्लियर ऑल करने के बाद अब यहाँ पर शेडो बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मतलब कि बैकग्राउंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है नारबम, तो इसमें आप शेडो देख लीजिए किस टाइप की, आप देख सकते हैं ना, तो उसी टाइप से हम अपने शूज़ में एंड बॉटल में शेडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको हार्डनेस यहाँ पर इतनी ही रखनी है, साइज़ को छोटा करके ही आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रिएट करनी है कुछ शेडो इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट होते ही आपको अब इरेजर पर जाना है, थोड़ी सी हार्डनेस कम करना है एंड थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके एक बार ऐसे करके रिमूव कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ही आपको यहाँ पर करना है बॉटल में, जितना डार्क आप चला पाएं उतना डार्क आप चला सकते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप जितना अच्छे से चलाएंगे मतलब उससे मैच कर लीजिएगा आप जो पीछे ये पटाखा है, तो इससे आपको मैच कर लेना है एंड उसके बाद आप अपने शूज़ वगैरह जिसमें आपको शेडो डालनी है तो उसी हिसाब से आपको डालना है, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ, सो ये हम दे चुके हैं इसको शेडो, तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। तो हम कर देते हैं राइट पर क्लिक। तो राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम, अगर आप लोगो लगाते हैं इमेज में तो लोगो लगा लीजिए, एंड लोगो नहीं लगाते हैं तो अब आपको क्या करना है गाइस, इसको कर लेना है ड्रॉ टूल में जाकर सेव, एंड सेव करने के बाद अब हम चलते हैं सीधे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। सो गाइस अब हमने ओपन कर लिया है अपने इमेज को लाइट रूम में, तो सबसे पहले हम लाइट इसकी एडजस्ट करने वाले हैं। तो लाइट में आपको कॉन्ट्रास्ट को सबसे पहले माइनस की तरफ करना है, ठीक है। एक्सपोजर आप 1 या 2% बढ़ा दीजिएगा इसका, हाईलाइट्स को आपको कम ही रखना है, एंड उसके बाद शेडोज़ मेरे इमेज में कम थी तो मैं शेडोज़ को यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा, एंड अगर आपके इमेज में अगर मतलब कि ठीक ठाक हो तो आप शेडोज़ छिड़िए ही नहीं, एंड वाइट को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर लीजिए, ब्लैक को कर दीजिए थोड़ा सा कम। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में, तो इसमें आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जहाँ पर पटाखे चल रहे होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ रहता ही है, तो उसकी लाइट हॉट होती है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज़ रहेगी, जाहिर सी बात है। तो विब्रेंस यहाँ पर आपको बढ़ाना है, इसके बाद सेचुरेशन को कर देना है थोड़ा सा कम, ठीक है। इसके बाद अभी आपको मिक्स टूल पर नहीं जाना, अभी हम चलते हैं बैक लाइट वाले ऑप्शन में, ऊपर कर्व ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये कलर मिलते हैं, ये वाले आपको साइड में दिख रहे होंगे, तो इसमें रेड कलर चूज़ करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से एक रेडनेस वाली फील देना है सबसे पहले हल्की सी, ठीक है। इसके बाद कर देना है डन। डन करने के बाद अब हम चलते हैं मिक्स वाले ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर जाने के बाद फेस की जो सैचुरेशन है वो आपको कर देना है माइनस, ल्यूमिनेंस को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो रेड कलर है, रेड कलर को आपको थोड़ा सा ह्यू को इंक्रीज़ करना है, ह्यू को इंक्रीज़ करने के बाद आप सैचुरेशन को अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपको येलो इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा, सैचुरेशन आप अपने हिसाब से, ल्यूमिनेंस बढ़ा दीजिएगा उसका।
इसके बाद आपको ब्लू टोन में जाना है, सेचुरेशन बिल्कुल कम कर देनी है ब्लू टोन की, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग मतलब कि मिक्स टूल का काम यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद अब हम जाने वाले हैं अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इसमें आपको क्लेरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है, विग्नेट को कर देना है आपको थोड़ा सा कम, एंड इसके साथ साथ स्प्लिट टोन हमको मिलेगी। तो स्प्लिट टोन में आपको हाईलाइट में थोड़ा सा ऑरेंज, मतलब कि जैसा हमने अभी कर्व में कलर दिया था ऑरेंज वाला, वो चीज़ आपको हाईलाइट में देनी है, एंड वही चीज़ आपको शेडोज़ में भी देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी एकदम परफेक्टली मैचिंग कितनी मस्त हो रही है। सो ये आप देख सकते हैं, हम कर देते हैं डन। एंड डन पर जाने के बाद आपको डिटेल्स, अगर आप अपनी इमेज की अच्छी रखना चाहते हैं तो शार्पनेस बढ़ा दीजिए, रेडियस बढ़ा दीजिए, डिटेल्स को कर दीजिए फुल मास्किंग, नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, डिटेल्स को फुल कॉन्ट्रास्ट, कलर नॉइज रिडक्शन एंड डिटेल स्मूथनेस फुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ऐसा ही आपको सेटिंग रखना है अपनी इमेज की, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए हमारा इमेज कितना बेटर लग रहा है, एंड ये आप देख सकते हैं बिफोर एंड अब देखिए आफ्टर, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है आप देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग में, कितना मस्त लुक आ रहा है। तो बिफोर आप देख सकते हैं एंड आफ्टर। तो इसको सेव करने के लिए आपको जाना है सेव टू डिवाइस, सेव टू डिवाइस एंड हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी में आपको सेव कर देना है।